अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड मैगज़ीन। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल माश की दाल, जो बहुत ही आसान होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है एक बड़े साइज़ का टमाटर, जिसे बिल्कुल बारीक बारीक क्यूब्स में कट कर लिया है इस तरह। यहाँ पर लिए है मैंने एक अदद प्याज बड़ी साइज़ की, जिसको स्लाइस में कट किया है। स्पाइसेस लिए हैं कुछ, हाफ टी स्पून पिसावा धनिया, क्वार्टर टी स्पून कुटी हुई मिर्च, हाफ टी स्पून पिसी मिर्च, क्वार्टर टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, थोड़ा सा लिया है हमने चिकन पाउडर, अगर आपके पास ना हो आप स्किप कर दें, और हाफ टी स्पून लिया है सॉल्ट, और यहाँ पर लिया है मैंने 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून हरी मिर्च चॉप, ये तकरीबन 2 से 3 है, और 1/4 टीस्पून लिया है ज़ीरा। 4 से 5 टेबल स्पून मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है। इसमें ऐड कर देंगे प्याज, साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन हरी मिर्च और ज़ीरा। इसी के साथ हम 3 इस तरह साबुत गोल वाली मिर्च ऐड कर देंगे। प्याज जो है हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। इसकी फ्लेम थोड़ी सी हाई करेंगे और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे, ताकि टमाटर जो है वो जल्दी गले। एक से दो मिनट ही मैंने इसे हाई फ्लेम पे भूना, तो ये देखें आप, काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून पानी। हम ऐड करेंगे तमाम स्पाइसेस। अब इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सिरका 1 टेबल स्पून। कि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, मुझे कवर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप ऑयल में ही टमाटर को हाई फ्लेम करके फ्राई करेंगे, खुद ही सॉफ्ट हो जाते हैं। देखिए कितने सॉफ्ट हो गए, मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसे कवर करके रखने। देखिए, और मसाला भी ऑलमोस्ट डन हो गया है। यहाँ पर ले लिया हमने 1/2 पाव दाल, जिसे मैंने 15 से 20 मिनट भिगो लिया था, फिर इसको बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया। इसकी देखें इस तरह हो रही है, ये ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और ज़्यादा कड़क भी नहीं है। नॉर्मल मैंने इसे 95% गला लिया। खड़ी खड़ी रखनी है हमने दाल अपनी, इसमें मैंने ज़रा सा नमक और जरी सी पिसी मिर्च डाल के इसे बॉईल कर लिया। अब हम दाल को इसमें ऐड कर देंगे। 1/2 पाव ली थी दाल, तो ये देखें डबल हो गई है। मिक्स करेंगे इसे इस मसाले में। देखें दाल पूरी डन हो गई, दाल डन हो गई, फ्लेम हमने ऑफ कर दी। अब हम इस पर ज़रा सा डालेंगे गरम मसाला, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और देखें दाल हमारी खड़ी खड़ी है, घुटी नहीं है, हमें इसी तरह रखनी है। पाँच मिनट इसे कवर करके रखेंगे तो ऑयल आ जाएगा इसी तरह। अब हम इस पर धनिया गार्निश कर देंगे। देखें ज़बरदस्त
ढाबा स्टाइल माछ की दाल रेडी है। इतनी ज़बरदस्त दिख रही है, इसका फाइनल लुक है। आप इसे ट्राई करें, बहुत यमी बनी है और बहुत ज़्यादा यमी बनी है। तो इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।